बुधनी विधानसभा के भैरुंदा में जय संगठन व भीम आर्मी ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संगठन ने धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि भैरुंदा SDM दिनेश सिंह तोमर के साथ पंचायत सचिव व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पर एक्ट टू सिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही SDM को बर्खास्त करने की भी बात कही। गौरतलब है कि विगत दिनों SDM का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें SDM द्वारा एक व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते नजर आए। मामले को लेकर भैरुंदा पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर गुस्साए संगठनों के द्वारा बुधवार को तहसील कार्यालय कर घेराव करते हुए SDM पंचायत सचिव व जिला जनपद सदस्य प्रतिनिधि के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की गई। इसके साथ ही SDM को बर्खास्त करने की भी मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं वैरुंदा SDOP की समझाइश के बाद संगठन के पदाधिकारी माने और धरना प्रदर्शन समाप्त किया। SDOP ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों में विभिन्न मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जय संगठन के जिला संयोजक गब्बर मालवी ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकाश अमलकर द्वारा आश्वस्त करते हुए कहा कि 15 दिवस के अंदर उक्त मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं संगठन का कहना है कि 15 दिवस में अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। आज SDM के द्वारा जो हमारे भाई मंथन बरखाने को जाति सूचक शब्द एवं गलत तरीके से उन पर केस दायर करवाया, उसके खिलाफ में आज जन आक्रोश हमने दिखाया था। जो कि हमारी मांग ये थी कि माननीय जो SDM महोदय उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन पर FIR की जाए और मंथन पर जो केस लगे, झूठा मुकदमा दायर हुआ है, वो केस वापस लिया जाए। हमने कलेक्टर महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदय से हमारी बात हुई है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन हमें दिया है कि इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, SDM साहब पर भी FIR की जाएगी और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, हमारे भाई पे से केस नहीं हटता है, उन पे धाराएं जो लगाई गई है, विभिन्न प्रकार की धाराएं जो लगाई गई है, अगर नहीं हटती हैं तो समस्त बहुजन संगठन के माध्यम से 15 दिन का जो कलेक्टर साहब को हमने अल्टीमेट दिया है, अगर हमारी मांग मान लेते हैं तो अच्छा है और अगर नहीं मानते हैं तो आज पूरा बहुजन समाज यहाँ से आह्वान करके जाएगा कि 15 दिन बाद वापस से नसुल्लागंज की सड़कों पर पूरा बहुजन समाज उतरेगा और भाई की न्याय की आवाज़ को बुलंद करेगा। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सेवा जोहार, मेरा नाम साधना उइके और मैं जय संगठन से हूँ। हमारा भाई है मंथन, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, किसी द्वारा SDM के द्वारा उन्होंने इसको मारा पीटी की है और गाली गलौज किया है, उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। तो उसके लिए आज हमारा जो समाज है यहाँ एकत्रित हुआ है और यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय जी को। फिर अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी बात चल रही है, काफी हम लोग चाहते हैं, यहाँ की जो जनता चाहती है कि इनको न्याय मिले। इस पर जो झूठा मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए और जो SDM है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया है, क्योंकि एक संवैधानिक पद में बैठने के बाद भी वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है, संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। तो हमारी बस इतनी मांगे है कि ये एक स्टूडेंट है और उसका भविष्य खराब ना हो, इसलिए उसके जो मुकदमा झूठा किया गया है वो वापस लिया जाए और कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि वो SDM पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि संविधान सबको जब समान अधिकार देता है, समान जब कितने ही बड़ा वो अधिकारी क्यों ना हो। ये आपकी मांग की पूर्ति नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बड़े स्तर पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और इसमें सभी सामाजिक जो संगठन है उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए और इस भाई को न्याय दिलाए। ठीक, धन्यवाद। सीहोर से UD News के लिए रायसिंह मालवी की रिपोर्ट।